तेलंगाना अपने तीसरे विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। यहां 30 नवंबर को विधानसभा की 119 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनाव में भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। इसके साथ ही इस बार मैदान में बीजेपी, AIMIM, जनसेना जैसे दल भी हैं। पर तेलंगाना के पहले चुनाव की बात करें तो स्थिति ऐसी नहीं थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। राज्य के गठन के बाद 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और अब उसने राज्य में पहली सरकार का गठन किया था। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। तो आइए जानते हैं कि पहले चुनाव में किसे कितनी सीटें मिली थी। 2014 में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 63 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। तेलुगु देशम पार्टी ने 15 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। तेलंगाना में हुए पहले विधानसभा चुनाव में AIMIM को केवल 7 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने पहले चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा YRS कांग्रेस ने 3 सीटों पर जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। CPI, CPM और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि पहले चुनाव में 69% मतदान हुआ था जबकि 2018 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर TRS ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। इस चुनाव में TRS को 88 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस 21 सीटों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर थी जबकि राज्य के दूसरे चुनाव में बीजेपी 5 सीट से घटकर 1 सीट पर आ गई थी। इस बार मतदान 30 नवंबर को होगा। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि राज्य के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होंगे क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि BRS की तीसरी बार जीत तय है लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तेलंगाना में हार जीत के समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में करीब 1/3 सीटों पर चुनावी संघर्ष BRS, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है।